अच्छा इनको लेके जाएंगे घर? अभी नहीं पता, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी किताब, मतलब असली दोस्त तो यही बन गए होंगे आपकी किताबें ही। तो उन्होंने दोस्ती निभाई है ना। ये तो है कि जिंदगी में ऐसा दोस्त होना चाहिए जो जब तक आपका मुकाम हासिल ना हो तब तक साथ ना छोड़े, भले वो आपकी किताबें हो या एक असल में सच्चा मित्र हो जो आपके साथ रह रहे हो। मेंस का भी बताइए कि मेंस के लिए भी ऐसा कुछ आपने प्लान बनाया था? मेंस आपका, आपने तो फर्स्ट मतलब प्री तो आपने चलिए 2 बार दिया, लेकिन मेंस तो भी निकाल दिया पहली बार में, इंटरव्यू भी निकाल दिया। जी एक्चुअली क्या था कि मुझे पता है कि मुझे लिखने में दिक्कत है, तो मुझे स्क्राइब यूज़ करना ही था। तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस खुद के लिए की है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि मैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये सारा कुछ आपने लिखा है? बाकी जो मेंस का जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो मेरा नहीं है, मैंने अपना स्पीकिंग प्रैक्टिस डेवलप किया क्योंकि मुझे मेंस में उसकी ज़रूरत थी। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको एग्ज़ाम के समय में किसकी ज़रूरत है। मैंने अपना स्पीकिंग स्किल को अच्छा किया क्योंकि जब मैं राइटर को कुछ भी बोलूँगा, पूरा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके मुझे बोलना है, पूरा इंट्रोडक्शन मुझे पहले तैयार करना है, उसको बोलना है, वर्ड्स को चूज़ करना है, वो मुझे बोलना है। तो जनरली मैंने वीडियोस देखे, मेरा पूरा सेल्फ स्टडी है और मैंने किसी भी किसी इंस्टीट्यूट का कोई भी कोचिंग नहीं लिया है। हाँ, जब मॉक के समय में मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ, वहाँ पर मैंने मॉक दिए हुए हैं। और स्ट्रेटजी मैं इसका मैंने यही बनाया कि प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स पेपर मैंने उठाए, एक एक पेपर को यहीं इसी टेबल पर यूं ही इसी तरह बैठ के, लैपटॉप सामने है और जैसे यही यही है प्रीवियस ईयर पेपर, अगर हम इसको मान सकते हैं। तो मैंने इसको रखा, मेंस का पेपर है सपोज दैट, और मैंने देखा पहला क्वेश्चन क्या है और उसके हिसाब से क्या है उसका बन सकता है। ये तो सी सेट का है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर मैंने रखा, देखा कि इसका क्या आंसर है। मैंने गूगल पे सर्च किया और देखा कि इसके ये इस टॉपिक के ये मेन पॉइंट्स हैं, 5 से 7 पॉइंट्स हैं। मैंने चाहे पर्ची पर या फिर दीवार पर, जो भी मेरे पास उस टाइम पे रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कॉपी रहा हो या फ़ोन रहा हो या लैपटॉप में ही एक जगह मार्क कर ली 4-5 पॉइंट। तो मुझे पता है कि हाँ कि ये क्वेश्चन मैंने देख लिया है, अब इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो 5-7 पॉइंट है वो मेरी ऐसी जगह पर है जहाँ पर मैं जनरली मैं कभी भी चाहूँ देख सकता हूँ, चाहे मेरी दीवार हो या मेरी किताब हो या मेरा फोन हो। अच्छा, मतलब साथ में मतलब ये ना डेडिकेशन देखो आप एक चीज़ की, कितने जुनून से वो तैयारी की होगी, कितनी उसकी अंदर से भूख होगी उस चीज़ की कि दीवारों पर ये लिख के यहाँ पे इन्होंने IAS लिख दिया है, ठीक है। ये चीज़ मतलब किस फेज़ में लिखी होगी मैं समझ सकता हूँ, यह क्योंकि शायद आपके जो परिवार है, जिस बैकग्राउंड के आप हैं, आप इकोनॉमिकली इतने सक्षम नहीं थे आपने बताया, तो उसी बैकग्राउंड से मैं आता हूँ और जो भूख होती है कि किसी चीज़ को पाना है, वो किस भाव में ये लिखा गया होगा। मैं आज भले ही उस चेहरे पे आपको मुस्कान दिख रही होगी, लेकिन जब ये तैयारी हो रही होगी और जब वो स्थिति से गुजर रहे होंगे, उसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि वो क्या सिचुएशन रही होगी। मेंस का भैया हो गया, इंटरव्यू में कोई ख़ास चीज़ आपने की है जैसे कि प्रिपरेशन के टाइम पे हो गया? हाँ, प्रिपरेशन के टाइम में जिस समय शायद 6 दिसंबर को रिजल्ट आया था मेरा, तो मैं बहुत खुश हुआ उस टाइम। उस दिन तो मुझे 5 मिनट तक यकीन ही नहीं हुआ कि मेंस हो गया है मेरा। हाँ, मैं मेरा फ़ोन यहाँ रखा हुआ था, मैं जब भी मेरा कोई जब रिजल्ट आया है ना, तो मैं वो मोमेंट मैंने मिस किया ही अपना। खासतौर पे जो मैं अभी वाला है। तो मेरा मेंस का रिजल्ट आया, उस समय मैं मेरा फ़ोन रखा था, मैं फ्रेश होने के लिए गया हुआ था, वापस आया था तो 2-3 कॉल आ चुके थे। तो मैंने फ़ोन उठाया, देखा तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि रिजल्ट आ गया, चेक करो। तो मैंने उसने मतलब बोला कि मैंने चेक कर लिया है, सीधा सा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए वो फ़ोन किया कि बधाई हो, अब इंटरव्यू देना है। तो फिर मैंने वो अपना चेक किया और फिर मुझे यकीन नहीं हुआ, 5 मिनट तक तो मैं आँखें बंद करके बैठ गया। मैंने बोला अरे यार अब तो हो गया। मैंने अपने भोलेनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद किया और मैंने मम्मी को फ़ोन किया, उनको बताया कि मेंस की परीक्षा पास हो गई है और अब इंटरव्यू के लिए करना है। मम्मी मेरी बहुत खुश हुई और उन्होंने तो पता नहीं कहाँ कहाँ मन्नत मांग के रखी हुई है कि ये जाएंगे वो जाएंगे, ये करना है वो करना है, और मेरी मम्मी बहुत खुश है। देखिए, कोई वाक्या हुआ हो मेंस में या पूरे इस UPSC प्रिपरेशन में आपसे कुछ अजीब सा या कुछ अलग सा सवाल पूछा गया हो या कुछ अलग सा मोमेंट हुआ हो जो आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा? ये UPSC के इंटरव्यू में या फिर इंटरव्यू में या फिर पूरा ओवरऑल जब भी कभी कुछ मतलब ऐसा मोमेंट हो जो आपको हमेशा याद रहेगा? जी
मोमेंट तो मेरी लाइफ के ऐसे हैं कि सभी मुझे याद हैं। हाँ वो तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना था, तो पता नहीं था कि कब आएगा लिस्ट और कब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो मेरे हम लोगों ने उसी दिन और शाम में बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाई कि इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो मैंने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे फ्रेंड ने मिलके, 5-7 लोगों ने, हमने मिलके एक पूरा स्ट्रेटजी बनाया कि अब जो है मोस्टली हम लोग जो 3 न्यूज़पेपर को हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें एक न्यूज़पेपर को मैं कंटिन्यूसली फॉलो करूँगा खुद से, बाकी के 2 न्यूज़पेपर हैं जो मेरे पीयर ग्रुप्स हैं वो लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। और जो भी उसमें न्यूज़ रहेगा, जो मेन हाईलाइटेड न्यूज़ रहेगा, हम उसको डिस्कस करेंगे डेली। और मेरा मीडियम इंग्लिश है और इंग्लिश मेरा थोड़ा सा एक फ्लुएंटली, मैं मतलब बोलने से पहले हिचकिचाता था, लेकिन हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाया। हमने ऑनलाइन भी इंग्लिश के कुछ लेक्चर्स मैंने अटेंड किए, कुछ बुक्स मैंने मंगाए जो कि स्पेशली फॉर स्पीकिंग रहते हैं, मैंने उनको देखा। साथ ही साथ जो मेरे नोट्स थे, जो जो पॉइंट्स मैंने जहाँ जहाँ भी बनाए थे, वो सारे मैंने कलेक्ट करके टेबल पर यहाँ लगाए इस तरीके से, और फिर एक एक करके उठाना था और ख़त्म करते जाना था। तो यहाँ से उठाते के ऊपर लगाते के, उठाते के लगाते रहे। तो ये जितना ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये पहले पूरा यहाँ लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर सामने भरा हुआ था। तो एक एक करके ख़त्म करते गए, ऊपर लगाते गए, ख़त्म करते गए, ऊपर अब वो लगाते वहीं रहेंगे। अच्छा, इनको लेके जाएंगे घर? अभी नहीं पता, वो तो सिचुएशन में डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी किताबें, मतलब असली दोस्त तो यही बन गए होंगे आपकी किताबें ही। तो उन्होंने दोस्ती निभाई है ना। ये तो है कि जिंदगी में ऐसा दोस्त होना चाहिए जो जब तक आपका मुकाम हासिल ना हो तब तक साथ ना छोड़े, भले वो आपकी किताबें हो या एक असल में सच्चा मित्र हो जो आपके साथ रह रहे हो।